क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने अपने बेटे के क्रिकेट करियर को लेकर बड़ा बयान दिया है। सचिन का कहना है कि अर्जुन को इस खेल से बेशुमार मोहब्बत है, इसलिए वह क्रिकेट खेलता है। हालांकि मैं उससे यही कहता हूं कि रास्ता मुश्किल है। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को IPL के 2 सीजन में मुंबई इंडियंस के 28 मैच में एक बार भी खेलने का मौका नहीं मिला। बार बार खबर आती रही कि अब अर्जुन को मौका मिल सकता है, लेकिन वह अवसर कभी नहीं आया। इसको लेकर अर्जुन के पिता सचिन ने बताया कि उनका सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वह हमेशा बेटे को समझाते हैं कि उनकी राह आसान नहीं बल्कि बेहद मुश्किल और चुनौतीपूर्ण है। 22 वर्षीय अर्जुन ने अपने करियर में अब तक घरेलू टीम मुंबई की ओर से सिर्फ 2 T20 मुकाबले खेले हैं। मुंबई इंडियंस के साथ मेंटर के तौर पर जुड़े सचिन तेंदुलकर ने यह भी स्पष्ट किया कि वह चयन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते। गौरतलब है कि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज और बाएं हाथ के तेज बल्लेबाज अर्जुन को 5 बार के IPL चैंपियन मुंबई इंडियंस ने अपने साथ जोड़ा था। 2021 में अर्जुन 20 लाख के बेस प्राइस पर फ्रेंचाइजी के साथ जुड़े थे और 2022 में उन्हें 30 लाख रुपए में टीम ने खरीदा था। लीग के 2 सत्रों में उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। एक शो पर जब सचिन तेंदुलकर से यह पूछा गया कि क्या वह इस साल अर्जुन को खेलते हुए देखना पसंद करते हैं, तो उन्होंने कहा, यह अलग सवाल है, मैं क्या सोच रहा हूँ या क्या महसूस कर रहा हूँ, यह महत्वपूर्ण नहीं है। सीजन खत्म हो चुका है और अर्जुन के साथ हमेशा मेरी यही बात होती है कि डगर चुनौतीपूर्ण होगी और मुश्किलें होंगी। मुंबई इंडियंस इस साल पॉइंट्स टेबल में आखिरी यानी 10वें पर रहते हुए टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।